बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीटकर एशिया कप 2018 के फाइनल में जगह बना ली है, जहां बांग्लादेश का मुकाबला भारत से होगा। लेकिन इधर पाकिस्तान को हराते ही एक बार फिर बांग्लादेशियों का नागिन डांस शुरू हो गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 37 रन से हराया और जैसे ही आखिरी बॉल फेंकी गई और पाकिस्तान की हार हुई, न सिर्फ मैदान बल्कि मैदान से बाहर स्टैंड्स पर भी नागिन डांस शुरू हो गया। यहां तक स्टेडियम में जो गाना बज रहा था वो भी मैं नागिन डांस नचना ही था। बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुश्किबुर रहीम ने एक बार फिर बांग्ला पारी को संभाला, हालांकि वो शतक से सिर्फ एक रन से चूक गए, मगर 99 रन बनाने वाले रहीम ने बांग्लादेश का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। जवाब में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी शानदार खेल दिखाया और पाकिस्तान की पूरी टीम 50 ओवर में सिर्फ 202 रन ही बना पाई। पाकिस्तान के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे, सिर्फ इमामुल हक ही बांग्लादेश के गेंदबाजों का सामना कर पाए और पाकिस्तान टीम 200 के आसपास ढेर हो गई। पाकिस्तान के हारते ही निदहास ट्रॉफी की याद ताजा हो गई, क्योंकि यहीं पर बांग्लादेशियों ने पहली बार नागिन डांस किया था और यहां तो मैच देखने पहुंचे बांग्लादेशी फैंस भी नागिन डांस करने लगे। अब एशिया कप में वही नागिन डांस दोहराया गया, फैंस के साथ साथ खिलाड़ी भी नागिन डांस कर रहे थे। वैसे अब बांग्लादेश का सामना भारत से है और देखना होगा कि फाइनल में बांग्लादेशी नागिन डांस करते हैं या फिर भारत के गेंदबाजों के धुन पर नाचते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।